आमिर खान के साथ सरफरोश और हम साथ साथ हैं में सलमान खान के साथ हीरोइन के रूप में काम करने वाली खूबसूरत और कमसन सोनाली बेंद्रे को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली सोनाली बेंद्रे को लेकर पूरा बॉलीवुड सख्ते में है और उनके फैंस के लिए बुरी खबर है। सोनाली बेंद्रे इस वक्त कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं। सोनाली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में अपनी बीमारी की जानकारी खुद ही दी। सोनाली ने लिखा, मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत आभारी हूँ। इससे लड़ने के लिए परिवार के सपोर्ट से बेहतर कुछ नहीं। फिलहाल डॉक्टरों की सलाह के बाद मैं अभी न्यूयॉर्क में इलाज के प्रक्रिया से गुजर रही हूँ। हमें आशावादी रहना है और मैं हर कदम पर लड़ने को तैयार हूँ। मैं इस जंग से लड़कर दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पीछे परिवार और दोस्तों की ताकत है। मुंबई में जन्मी सोनाली ने बॉलीवुड में 1994 में गोविंदा के अपोजिट आग से डेब्यू किया था। अब तक करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। आमिर खान की फिल्म सरफरोश में अभिनय के लिए सोनाली को आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया। न सिर्फ फिल्मों बल्कि एड जगत में भी सोनाली ने खूब नाम कमाया। सोनाली बेंद्रे से पहले अभिनेता इरफान को लेकर बुरी खबर सामने आई थी। उन्हें ब्रेन की बीमारी है। वो इस वक्त लंदन में इलाज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि कई सितारे इस बीमारी से जंग लड़कर मिसाल बन चुके हैं। मनीषा कोइराला, लीजा रे और युवराज सिंह ने कैंसर से कामयाब जंग लड़ी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सोनाली की हेल्थ को लेकर चिंता जताई और उन्हें बीमारी से कामयाब जंग की शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे, टेक केयर सोनाली, गेट वेल सून। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए रचना मिश्रा की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।